गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है संडे का और सुबह का टाइम था, मैं उठ गई थी और सबसे पहले मैं पार्थ के रूम की बेडशीट को चेंज कर दूंगी और जब तक बेडशीट चेंज होगी तब तक चाय को भी मैंने बनने रख दिया था। और बेडशीट क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मौसम अच्छा नहीं रह रहा था, इस कारण से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो जो बेडशीट वगैरह है तो वह भी नहीं अच्छे से धुल पा रही हैं। और पार्थ का बेड मैंने अरेंज कर दिया था और कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे मेरे, तो बस मैं उनको भी फोल्ड कर लूँगी क्योंकि अभी 2-3 दिन तक लगभग मैंने मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरा कुछ कुछ काम नहीं हो पाया था, तो बस कपड़े भी मेरे पड़े थे तो सारे कपड़ों को भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और कपड़े फोल्ड हो गए थे, उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया था और जो पोछा है तो पोछा भी मैंने लगा लिया था। और संडे का दिन है तो काफ़ी बिजी रहता है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं कर रही थी लंच की तैयारी क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और मैं बना रही हूँ खाने में दाल चावल और साग बनाऊंगी। और दाल मैंने बनने रख दी थी और दाल बन गई थी और साथ ही में मैंने चावल को भी मैंने बनने रख दिया था। और दाल चावल जब तक बन गए थे और उसके बाद मैं कर रही हूँ पिज़्ज़ा की तैयारी क्योंकि पार्थ का आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो टाइम तो ज़्यादा था नहीं सुबह, तो मैंने बस इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने के बारे में सोचा और फटाफट से मैंने कर ली पिज़्ज़ा की तैयारी। और मैं बना रही हूँ इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा। इसके लिए जो टोमेटो केचप था मेरे पास, तो उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को मिक्स कर लिया था और साथ ही मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को भी काट लिया था। और जो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जो सारी जो सब्जियां थी उनको मैंने मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद उसमें मैंने ऐड किया था चाट मसाला। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैंने सबसे पहले जो सॉस बनाया था तो उसको मैंने लगा लिया था अच्छे से और उसके ऊपर मैंने चीज़ ग्रेट किया था। और उसके बाद चीज़ ग्रेट होने के बाद जो वेजिटेबल थी जो मैंने मिक्स की हुई थी, तो बस सारी वेजिटेबल को उसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। और जब सब्जियां उसके ऊपर लग जाएंगी तभी मैं उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऊपर से थोड़ा सा डाल दूंगी और वापस से उस पर जो प्रोसेस चीज़ है उसको भी ग्रेट कर लेंगे। और इसके बाद जो एक पैन लेंगे उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला था और बटर जैसे ही गर्म हो गया तो जो ब्रेड स्लाइस था पिज़्ज़ा वाला तो उसको भी मैंने रख दिया था और ढक्कन से कर दिया था कवर। और थोड़ी देर बाद ही हमारा जो पिज़्ज़ा है इंस्टेंट वो बनकर हो गया था तैयार। और इसके बाद मैंने बाकी के जो पिज़्ज़ा थे और भी बना लिए थे, तो बस सभी ने पिज़्ज़ा खा लिए थे और पार्थ भी हो गया था खुश। और उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था तो दाल चावल और साग मेरा पहले ही बन गया था, उसके बाद मैं रोटियों की भी कर लूँगी तैयारी और आटा भी मैंने पहले से तैयार कर लिया था। आटा तैयार होने के बाद रोटियाँ भी मैं बनाने लगी थी और रोटियां जैसे ही बन जाएंगी तभी मैं हस्बैंड को खाना भी लगा दूंगी। और घर में पार्थ रहता है तो बस सभी लोग हंसते रहते हैं और बस ऐसे ही हमारा टाइम निकलता रहता है। और जो संडे होता है तो उसमें बहुत पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, किसी टास्क से कम नहीं होता संडे। और खाना मेरा बन चुका था और खाने में मैंने बनाया था दाल चावल साग रोटियाँ सैलेड अचार, बस इतना ही हमारा लंच था। और इसके बाद हम लोगों ने नहा लिया था, खाना वगैरह खा लिया था और दिन में पार्थ का मैं हेल्प कर रही थी जो साइंस का मॉडल था, तो बस उसको हम लोग बना रहे थे और मैं पार्थ की हेल्प कर रही थी। तो बस जब भी पार्थ का कुछ ऐसा वर्क होता है तो वह अकेला रहता है तो बोलने लगता आप भी मेरे साथ हेल्प करवा दो, तो बस मैं उसकी हेल्प करवा रही थी। और हम माँ बाप के बच्चे की हेल्प नहीं करेंगे और उनका मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वह किससे हेल्प मांगेंगे, तो बस मैं उसकी बस हेल्प कर रही थी। और उसके बाद जो शाम को जो डिनर था तो डिनर की भी तैयारी करती जा रही थी और डिनर में मैं बना रही थी आज बतुए की पूड़ियाँ और आलू मटर की सब्जी। तो बस मैंने पहले साग को साफ कर लिया था और उसके बाद मैं मटर को भी छीलती जा रही थी। और
मटर और साग दोनों हो गए थे तैयार, और उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में और बनाने लगी थी चाय, क्योंकि हस्बैंड के भी ऑफिस से आने का हो रहा था टाइम, और जब तक चाय बनेगी तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। और मैं मोस्टली चाय जब भी बनने रखती हूँ जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है, तो उनके आते तक ही हमारी चाय भी बन जाती, चाय भी बनती जा रही थी। और जो बथुए का साग था वह भी मैंने काट लिया था और उसको मैं रख दूंगी बॉयल होने के लिए। तो एक तरफ जो साग है वो थोड़ा सा बॉयल होगा और मैं उसको हल्का हल्का ही बॉयल करूंगी, ज्यादा बॉयल नहीं करूंगी। और साथ में चाय भी बनती जा रही थी, और चाय बन ही रही थी तब तक हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। तो बस उन्होंने हाथ मुंह धोए जब तक मैंने चाय भी छान ली थी। तो बस यहाँ पर हम लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे, और आज पार्थ चाय नहीं पी रहा है क्योंकि पार्थ को जब कभी मन होता है तब वह चाय पीता है, जब मन नहीं करता तो वह बिल्कुल भी चाय नहीं पीता है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे चाय पी रहे थे और बस बातचीत हो रही थी, और बस इतना ही टाइम रहता है थोड़ा, तो बस सभी बैठ जाते हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी पार्थ की जो यूनिफॉर्म थी उसमें प्रेस करने के लिए, क्योंकि मंडे को पार्थ को स्कूल भी जाना होता है, तो इस वजह से उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसको भी मैं प्रेस कर लूंगी। और ज्यादातर कपड़े अभी नहीं सूखे थे, तो जो थोड़े बहुत सूखे थे तो बस मैं उसमें ही अभी प्रेस कर रही हूँ, और बाकी जो कपड़े हैं उनमें मैं बाद में प्रेस करूंगी। पार्थ की यूनिफॉर्म भी प्रेस हो गई थी, उसके बाद मैं फिर से वापस से आ गई थी किचन में और करने लगी थी डिनर की तैयारी। और डिनर में मुझे बनानी थी आलू मटर की सब्जी, और सबसे पहले मैं कर रही थी मसाले की तैयारी। और मसाले के लिए मैंने प्याज लहसुन वगैरह छील लिया था, और मसाले को भी मैं मिक्सर में पीस लूंगी और कुकर में ही बनाऊंगी जल्दी से सब्जी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाता है संडे के दिन, टाइम नहीं मिलता है। कुकर में भी मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था, जीरे ऐड कर दिए थे, जीरे लहसुन जब तक मेरे भुन गए थे तो मैंने मसाला भी ऐड कर दिया था। और मसाला ऐड करने के बाद जो ड्राई मसाले थे उनको भी मैंने डाल दिया था। ड्राई मसालों में मैंने डाला था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जो कि मेरा फेवरेट है। और सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और मसाले को मैं धीमी आंच पर भूनूंगी। और साथ ही साथ मेरी सब्जियां भी कटती जा रही थी, टमाटर भी मैंने काट लिया था। और जब मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं एक साथ दो दो तीन तीन काम करती हूँ जिससे कि मेरा काम जल्दी हो जाए। और टमाटर कट गया था और मसाला भी भूनता जा रहा था, और इसके बाद जो टमाटर थे टमाटर को भी मैं ऐड कर दूंगी, टमाटर ऐड कर देंगे। और जो आलू और मटर है उन सभी को भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ी देर तक जो सब्जी है उनको भी भून लूंगी। और सब्जी मैं हमेशा धीमी आंच पर भूनती हूँ, और मैं हमेशा धीमी आंच पर ही खाना बनाती हूँ, तो इससे जो सब्जी का है तो टेस्ट काफी अच्छा आता है। सब्जियां भी मेरी भुनती जा रही थी, और जो मुझे बतुए की पूड़ियां बनानी थी उसकी भी तैयारी होती जा रही थी, उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही थी। और मसाले में मैंने डाला था हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और जो हरी धनिया के फल होते हैं वह सारी चीजों को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया था। और जो सब्जी थी वह भी हमारी बनकर हो रही थी तैयार, और कुकर को भी मैंने फटाफट से लगा दिया था, मसाला भी पीस गया था और आटा मैंने छान लिया था, और उसमें मैंने अजवाइन, जीरे और जो हरा वाला मसाला पीसा था वह, और नमक, और जो मेरे बतुए का साग था ना जो थोड़ा सा मैंने हल्का सा बॉयल किया था, सारी चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी और आटे को कर लूंगी तैयार। और आटा भी हमारा जैसे ही तैयार हो जाएगा थोड़ा सा बाइंडिंग लेने लगेगा, तभी मैं उसमें हल्का सा ऑयल ऐड करूंगी जिससे कि जो पूड़ियां हैं काफी अच्छी बनती हैं। आटा भी हो गया था तैयार, और इसके बाद मैं पूड़ियों को भी बना लूंगी। आटा तैयार हो ही रहा था, मैंने तेल को भी गर्म होने रख दिया था, और पूड़ियां भी मैं बनाती जा रही थी। और जैसे ही मेरी पूड़ियां बनकर होंगी तैयार, तो सबसे पहले मैं पार्थ और हस्बैंड दोनों के लिए खाना भी लगा दूंगी, और मन के लिए पूड़ियां सेक कर देती रहूंगी। और संडे का दिन कहने के लिए तो छुट्टी का दिन होता है, पर उस दिन तो सांस लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, पता नहीं पूरा दिन कैसे निकल जाता है, कहाँ समय जाता है, कुछ कह ही नहीं सकते। और खाना बन गया था, और हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था, और पार्थ भी साथ में खाना खाएगा, तो बस दोनों लोगों के लिए मैंने खाना लगा दिया था। और उसके बाद मैंने जो पूड़ियां थी वह भी मैं उनको देती जा रही थी, और
पूरियां भी मेरी सीखती जा रही थी और बस यहाँ से ही हम लोग बातें करते जा रहे थे और बातें भी होती जाती और काम भी होता जाता है। सभी ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था और जो बर्तन थे उसकी क्लीनिंग भी मैं करती जा रही थी और बर्तन भी क्लीन हो गए थे और होते जा रहे थे। और उसके बाद जो किचन था तो किचन को भी क्लीन कर लूंगी क्योंकि मैंने अभी पूरियां बनाई हैं तो जो गैस चूल्हा रहता है तो उसमें छींटे आ जाते हैं तेल के, तो वह भी गंदा हो जाता है, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी और सारा काम होता जाएगा। और जो किचन काउंटर है उसको मैंने अच्छे से साफ उसको मैं अच्छे से साफ करती जा रही थी। और फ्रेंड्स, मेरा गला अभी ज्यादा ठीक तो नहीं हुआ है पर अभी भी मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ और मुझे कुछ एलर्जी हो गई थी तो जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बस धीरे धीरे अब वह भी ठीक हो रहा है और किचन मेरी हो रही है क्लीन। और फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ को कितना काम होता है बस कहने के लिए तो लगता है कि कुछ काम नहीं है, जब करते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, सारा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।